Assalamu alaikum students, I'm Isha Islam and we will do the exercises of targeting grammar group 3. Today we will start page number 18 and we have already know about what is singular and what is plural. So we will get more information about plural on this page. Most प्लूरल नाउंस एंड इन एस, यानी जो है ज़्यादातर जो प्लूरल नाउंस होते हैं वो एस पर ख़त्म होते हैं. टू शो ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप शो करने के लिए जस्ट एड एन अपोस्ट्रोफी फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी हम जो है ऑनरशिप शो करने के लिए जो है अपोस्ट्रोफी जो है वो ऐड कर देते हैं. कैसे कि एग्ज़ाम्पल है कैट्स क्लॉज, यानी कैट के क्लॉज हैं तो हमने अपोस्ट्रोफी जो है वो यहाँ पर एस के बाद लगा दिया. प्लूरल है इस वजह से एस के बाद लगेगा, यानी बहुत सारे कैट्स जो है कि क्लॉज हैं तो यहाँ जो है हमारा एस के बाद अपोस्ट्रोफी लग जाएगा. बर्ड्स फैदर्स तो एस के बाद लग गया. इसी तरह द लॉयंस डेन, द बॉयज बाइक्स, जहाँ भी प्लूरल की बात होगी वो एस के बाद लगेगा अपोस्ट्रोफी, और अगर सिंगुलर होंगे तो एस से पहले लगेगा. ओके, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 5 है कि नेम द ऑनर ऑफ द आइटम्स इन बोल्ड, यानी हमें ऑनर्स के नाम बताने हैं जो कि बोल्ड में आइटम्स लिखे हैं उनके ऑनर्स के. तो दे फाउंड डायनासोर्स बोन्स इन द पेट, यहाँ बोन्स का ऑनर कौन है, डायनासोर, तो हमने डायनासोर लिख दिया. एस हम नहीं लिखेंगे ना अपोस्ट्रोफी लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमारा जस्ट लाइक के लिए जो है यूज़ होता है, यानी डायनासोर के बोन्स. तो ऑनर क्या है, डायनासोर है, तो हमने डायनासोर की स्पेलिंग लिख दी यहाँ पर, और जो है एस नहीं लिखना है. द जॉकीज हॉर्सेज आर यंग एंड फास्ट, तो हॉर्सेज का ऑनर कौन है, जॉकी, हमने यहाँ लिख दिया. मिस डी टुक फोटो एट ऑफ हर स्टूडेंट्स वर्क, वर्क का ऑनर कौन है, स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट लिख दिया. द एथलीट्स यूनिफॉर्म आर ग्रीन एंड गोल्ड, तो यूनिफॉर्म्स का ऑनर कौन है, एथलीट, हमने यहाँ स्पेलिंग लिख दी. द बॉयज टॉर्चेज लेट अप द केव, तो टॉर्चेज जो है उसका ऑनर कौन है, बॉय, ये सब हमने यहाँ लिख दिए ऑनर्स इनके. अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6 है कि टिक करना है कि वेदर द पॉजिटिव नाउंस आर सिंगुलर और प्लूरल. हमें ये बताना है कि ये पॉजिटिव नाउंस जो हैं वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं. पॉजिटिव नाउंस कौन होते हैं, जो ऑनरशिप शो कर रहे होते हैं, सही है. एमिलीज हैट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉ, एमिलीज, अब आप देखें कि अपोस्ट्रोफी जो है वो एस से पहले है, तो आप इससे पहचान गए कि ये सिंगुलर है, हमने सिंगुलर पे टिक कर दिया, यानी एमिली का हैट जो है वो किससे बना है, स्ट्रॉ से बना है, और देखें हैट भी सिंगुलर है. ओके, दिस शॉप सेल्स लेडीज शूज़, अब शूज़ जो हैं वो प्लूरल है, ठीक है, तो लेडीज़, यानी एस के बाद जो है वो अपोस्ट्रोफी लग गया. ये शॉप जो है वो लेडी के शूज़ जो हैं वो सेल करती है, तो ये प्लूरल हो गया. वाटर स्पार्कल्ड ऑन स्पाइडर्स वेब्स, वेब्स प्लूरल, तो स्पाइडर्स, यानी एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो यानी प्लूरल है. डैड्स रीडिंग ग्लासेस आर ऑन द टेबल, यानी डैड के जो रीडिंग ग्लासेस हैं वो टेबल पर हैं, तो डैड्स, यानी अपोस्ट्रोफी पहले है, तो इसका मतलब है सिंगुलर है. मैगपाइज नेस्ट आर मेड ऑफ ट्विग्स स्टिक्स एंड ग्रास, तो अपोस्ट्रोफी बाद में है, तो ये प्लूरल है. अब हमें एक्सरसाइज नंबर 7 करनी है कि टिक करना है करेक्ट सेंटेंसेस को हर पेयर में. पहले हम ये पढ़ लेते हैं. ओनली पॉजिटिव नाउंस नीड एन अपोस्ट्रोफी, डोंट कन्फ्यूज देम विद प्लूरल नाउंस, यानी जो है सिर्फ पॉजिटिव नाउंस को अपोस्ट्रोफी की ज़रूरत होती है, प्लूरल्स नाउन के साथ जो है वह आप कन्फ्यूज ना हो. टू शो ऑनरशिप पुट एन अपोस्ट्रोफी आफ्टर मोस्ट प्लूरल नाउंस, यानी जो है ऑनरशिप शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं प्लूरल नाउन के बाद. अब इनमें हमें जो है करेक्ट वन को जो है वो टिक करना है. द ट्रक्स आर लोडेड विद हे, द ट्रक्स आर लोडेड विद हे, तो हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि नॉर्मल प्लूरल नाउन दिया हुआ है, इसमें कोई ऑनरशिप शो नहीं हुई जो हम अपोस्ट्रोफी लगाते, इस वजह से फर्स्ट वाला करेक्ट है. जब ऑनरशिप शो नहीं हो रही तो अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा. बटरफ्लाइज विंग आर कलरफुल,
बटरफ्लाइज विंग्स आर कलरफुल, तो इसमें बटरफ्लाइज विंग्स यानी इसमें ऑनरशिप शो हो रही है कि बटरफ्लाई के विंग्स, तो हमने पोस्ट ऑफ एस लगा दिया. वाटर रेन ऑफ द डक्स बैक, वाटर रेन ऑफ द डक्स बैक, तो इसमें भी ऑनरशिप शो हो रही है तो हमने पोस्ट ऑफ एस लगा दिया. अ फॉक्सेस टेल इज़ लॉन्ग एंड बुशी, अ फॉक्सेस टेल इज़ लॉन्ग एंड बुशी, तो इसमें भी ऑनरशिप शो हो रही है तो हमने जो है ये लास्ट वाला यानी सेकेंड वाला जो है वो करेक्ट है. यानी फर्स्ट में फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकेंड में फर्स्ट वाला, थर्ड में फर्स्ट वाला एंड फोर्थ में लास्ट वाला. क्लियर?